ठीक है, वेलकम बैक इन द न्यू वीडियो। तो आपने हमारे जो हमने जो वीडियो डाली थी के वन क्लिप्स की, अरे यार तो मत करो, हाँ जो हमने के वन क्लिप्स की जो वीडियो डाली थी आपने वो ज़रूर देखी होगी, क्योंकि अगर वो वीडियो नहीं देखी तो क्या देखा आपने अभी तक। सच्ची में वो माइनक्राफ्ट के हमने बिगेस्ट केव ढूंढ ली। तो आप सबसे पहले वाली वीडियो देखना, लाइक सब्सक्राइब शेयर सब करना अच्छे से। भाई मैंने उस आयरन पिकैक्स को डायमंड में कर दिया। आप रो हमने देखा। तो गैर आज की वीडियो के अंदर हम केव एक्सप्लोर नहीं करेंगे, क्योंकि इसके दो पार्ट डल चुके हैं। तो धीरे 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 करना है हमको एक्सप्लोर। तो सबसे पहले आज वाली वीडियो के अंदर हम बनाएंगे रोड, जैसे कि आप ये देख सकते हो। जैसे कि ये जो लेके जा रहा हूँ स्टोन का लेन, दिखाता हूँ आपको कहाँ कहाँ लेके जाऊँगा। ये पूरा का पूरा बीच चढ़ जाएगा, फुल्ली स्टोन जाएगा। मैं सोच रहा हूँ थोड़ा थोड़ी टनल टनल लेके जाऊँगा, ये जैसे कि ऐसी टनल्स जो निकल के जो निकलेगी ऐसे बाहर। और भी दिखाता हूँ एक सेकेंड। और आगे आप जो जो ग्रास ब्लॉक देख रहे हो, ये मैंने ट्रेड करके निकाला है कहीं से, मुझे याद नहीं, पर डीनो भाई ने मुझे निकाल के दे दिया था ये वाले ग्रास ब्लॉक। हाँ वॉन्डरिंग ट्रेड से बहुत दूर था वो यहाँ से। भाई मेरी थोड़ी याददाश्त कमजोर है इस वजह से। सबसे पहले सब कर लेते हैं। तो आपने देखा ही होगा कि हम आज वाली वीडियो के अंदर बनाने क्या वाले हैं, और ये मेरे ख्याल से मेरे कासल से भी मेगा प्रोजेक्ट होगा, क्योंकि ये देखिए यहाँ से टनल जाएगी जिसके अंदर क्या क्या चीज़ें लगने वाली है ना आगे तक। पर सबसे पहले तो अभी सोएंगे। और हाँ डीनो भाई ने जो ये एक ही दिन में इतने इतने प्रोग्रेस मार गए ये, कि आयरन से डायरेक्ट डायमंड पे आ गए इतने बड़े डायमंड के पेयर में। और साथ साथ ये दो फाउंटेन्स बनाए डीनो भाई ने ऑफलाइन। अगर आपको ये अच्छे लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर सब कर देना। तो सबसे पहले हमको जाना है सोने के लिए, ठीक है ना। तो अब मैं आपको मिलता हूँ डायरेक्ट सारे सामान के साथ सो के। तो गाइस हो चुका है वेलकम आपका एक न्यू मॉर्निंग के अंदर। तो सबसे पहले जो मैंने बोला था कि 4x4x3 का, मेरे ख्याल से नहीं 4x4 का, हम पूरा एक रोड भी बनाएंगे साथ साथ टनल भी बनेगी। हाँ सबसे पहले मेरे ख्याल से ये थोड़ा छोटा है, ये थोड़ा सा लंबा जाएगा उससे, ये सबसे पहले इसको ले चलते हैं। और हाँ गाइस ये वीडियो जो आ रही है ये टनल वाली रोड मेकिंग, ये रुकने नहीं वाली। करीबन इस अकेले ऐसे वीडियो के ऑलमोस्ट 5 पार्ट आ ही जाएंगे इसके, क्योंकि मैं इसको कहाँ तक सोच रहा हूँ ना लगाने बनाने का, उतना आप सोचोगे ना तो आप बोलोगे वाह यार। एक तो मेरे पास सिलिटच नहीं है, पर स्टोन है मेरे पास काफ़ी। बारिश हो रही, लो अच्छा काम बन जाओ तो बारिश हो जाती है। हाँ भाई काफ़ी खर्च होने वाला है स्टोन। तो गाइस आप ये आप जो क्लिप देखोगे अब आप देखोगे फास्ट में, खत्म भाई एक स्ट्रैक ऐसे ही खत्म हो गया यार। ये गलत है थोड़ा सा, मैं स्टोन तो करीबन लाया हूँ, काफी लाया हूँ। आपका भाई बहुत मेहनती है, बहुत बैठ के कर लेते हैं ऐसे।
इस एरिया का काम मैं थोड़ा सा अभी टाल रहा हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ से ऊपर तक लेके, चार ही है ना, हाँ चार ही है, यहाँ से ऊपर लेके जाना पड़ेगा एक ब्लॉक की हाइट, और दो ब्लॉक की हाइट और चाहिए होगी यहाँ से, जो थोड़ी देर के बाद करूँगा अभी नहीं। सबसे पहले सारी डर्ट निकालना पड़ेगा। पर ये तो अपना ही विलेजर है, मारो इसको। नहीं, ये मेरे चाचा जैसी आवाज़ कर रही है। ओ, मैंने अपने चाचा को मार दिया गलती से। हम दोनों एक ही साथ रहते थे, एक ही घर में पहले, वो किताबें पढ़ते थे और मैं काम करता था। लगता है चाचा को किसी ने वश में कर लिया था मेरे। यहाँ से भी लेके जाना पड़ेगा, पर आपका भाई कर देगा आराम से। आ गए, ब्रो 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 ब्रो, वोम वोम। सामान नहीं गिर रहा वहां पे, मेरा वापस वापस आ रहा है। हाँ, मैं आपको इसके ऊपर का भी व्यू दिखाऊंगा पूरा। इसके ऊपर से तो आप देखोगे बोलोगे वाह। तगड़ा सा ही बनाऊंगा। और हाँ, एक बात और बता दूँ आपको कि डीनो भाई जो है ना अपने, वो बहुत तगड़े तगड़े चीज़ें कर रहे हैं अपने कासल के आसपास। और एक तगड़ी चीज़ तो आज को आपको आज ही दिखेगी। जो मैं बना रहा हूँ ना वो अपना ही अपने ही काम आएगा, मतलब अच्छा लगेगा। अरे आपने अरे गैस, आपने देख चुके हैं थोड़ा सा, इसके आगे मैं आपको दिखाऊंगा बाद में, जब डीनो भाई मुझे परमिशन देंगे। और आप थोड़ा सा देख लो और आप थोड़ा सा अनुमान लगा लो कि क्या बनने वाला है ये। तो अब मुझे आप सिर्फ 2 मिनट का टाइम दो, मैं दोनों तरफ का एकदम अच्छे से करके देता हूँ आपको, अच्छे से दोनों को ऊपर नीचे से बना लेता हूँ। गाइस, पूरी मेहनत करके मैंने ये टनल को कंप्लीट कर दिया, और देखने में लग भी रहा है कि हाँ कोई टनल जा रही है। क्या हुआ? इस टनल को भी मैं पूरी की पूरी जैसे उस टनल जैसे कराए ना, वैसे ही करूँगा। पर ये काम अभी नहीं हो सकता, क्योंकि आपको पता है अगर मैं इस काम को भी करने बैठ गया तो इतना टाइम लग जाएगा कि आप सोच नहीं सकते, क्योंकि ये मेगा प्रोजेक्ट है, मेगा। और हाँ, इसके अंदर डीनो भाई भी काफ़ी मदद करने वाले हैं इसको थोड़ा सा और अच्छा दिखाने के लिए। हाँ, अच्छा लग रहा है। अगर ऐसी रोड बनवानी है तो हीरो ब्रदर्स एसएमपी कॉल करो मुझे। खत्म, निकालो भाई। और हाँ, ये जो चेस आपने देखी ना अभी अभी, ये सारी सारी मुझे डीनो भाई ने दी है गिफ्ट, क्योंकि मैं इतना अच्छा काम कर रहा हूँ उनके लिए। ये सारी चेस्टें मैं थोड़ा थोड़ा कर करके लगाता रहूँगा यहाँ पे, कभी अगर हम यहाँ से जा रहे हो और हमको फूड की ज़रूरत हुई या किसी शस्त्र अस्त्र की ज़रूरत हुई तो हम यहाँ से उठा सकें। और डीनो भाई ने भी अपना काम पूरा कर लिया है। तो चेक दिस आउट गाइस, ब्रोज गेमिंग नाम से ग्लो ग्लो Oh दिखे, my ग्लो God! कर रहा है। हाँ, ये टनल भी आपको दिखा देता हूँ। तो इसको Nice.
इसको मैं अच्छे से कर दूंगा। और तुम इतने सारे डायमंड कहाँ से लेकर आए उठा के? डायमंड क्या? इतने सारे? हाँ वो मैं गया था ना, मैंने बोला था ना कि मैं करूँगा, मैंने पूरी की पूरी केफ को। और हाँ अगर आप रेट करके ज़रूर बताना कि आपको मेरा रोड कैसा लगा। और अब इसके अगले पार्ट में मैं आपको दिखाऊंगा आगे का, जो आगे वाला जाएगा बहुत आगे, यानी कि अपने माइन तक, जो केव्स एंड क्लिफ वाला माइन है। एक बात बताओ कि हमारे नीचे भी माइन शॉफ्ट है। ओके ब्रो, ओके सो बाय गाइस।